दोस्तों आज की यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसको पूरा जरूर सुने। आज की यह कहानी एक बूढ़े बाप और उसके बेटों की तीन बहुओं की कहानी है जो अपने किए कर्मों के फल से कुतिया बन गई। आज की कहानी बहुत ही मोटिवेशनल है, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक पहाड़गंज नाम के गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके तीन बेटे थे। जब वह तीनों जवान हुए, उसने नजदीक के शहर में तीनों की शादी कर दी। बूढ़ा किसान बहुत आस्तिक था और हर दिन पूजा पाठ में लगा रहता था। वह सुबह उठकर हर रोज गंगा में स्नान करने जाता और गंगा की पूजा करता था। कार्तिक महीने में वह विशेष रूप से स्नान और पूजा करता था। इस दौरान वह माखन मिश्री, दही मिश्री और तुलसी के पत्तों का भोग भगवान को चढ़ाता था और प्रसाद सभी में बांटता था। गांव के लोग उसकी पूजा पाठ से उसकी बहुत इज्जत करते थे। बूढ़े किसान का यह नियम था कि वह कार्तिक महीने के हर दिन गंगा स्नान करे और पूजा करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन वह विशेष रूप से गंगा स्नान के लिए जाता और भोग बनाकर भगवान को चढ़ाता। लेकिन उसके बेटों की तीन बहुओं को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। वे अक्सर उसकी आस्था का मजाक उड़ाती और प्रसाद खाने से मना कर देती। वे कहती, इसमें तुलसी के पत्ते हैं, हम ये नहीं खा सकते, यह सब दिखावा है। यह सुनकर बूढ़ा किसान बहुत दुखी होता, लेकिन वह चुप चुप चाप अपनी पूजा करता रहता। किसान की पत्नी का कुछ समय पहले ही स्वर्गवास हो चुका था, इसलिए वह अब अकेला था। उसके बेटे भी अपनी पत्नियों के कहने में आकर उससे दूर हो गए थे। अब वह सिर्फ अपने पूजा पाठ में ही मन लगाता और पड़ोसियों में प्रसाद बांटता। लेकिन उसकी तीनों बहुओं को यह सब बहुत बुरा लगता था। वे सोचती, ये बूढ़ा जब देखो तब पूजा पाठ में लगा रहता है, अनाप शनाप खर्च करता है, पंडितों को बुलाता है, दान पुण्य करता है, अगर यह मर जाए तो अच्छा हो, कम से कम यह खर्चा तो बचेगा। बूढ़े किसान ने अपने तीनों बेटों को बहुत प्यार से पाला था। उसने और उसकी पत्नी ने मिलकर उनकी परवरिश की थी। लेकिन अब जब उसे अपने बेटों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वे उससे मुंह मोड़ चुके थे। बूढ़ा किसान दिन रात भगवान से प्रार्थना करता और अपने बच्चों के लिए आंसू बहाता। वह सोचता, हे भगवान, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन बूढ़ा किसान अपने भगवान की मूर्ति के सामने बैठा प्रार्थना कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह भगवान से कह रहा था, हे भगवान, मुझे इस दुख से मुक्ति दिलाओ, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। इस तरह बूढ़े किसान ने अपनी पूजा पाठ और दान पुण्य के नियमों को नहीं छोड़ा। लेकिन उसके बेटों की तीनों बहुओं ने ठान लिया था कि वे अब इस घर में नहीं रहेंगी और बंटवारा करके अलग हो जाएंगी। वे सोचती, अगर हम अलग हो जाएं तो अपनी मर्जी से रह सकेंगे और ससुर की पूजा पाठ के खर्चे से बच सकेंगे। तीनों बहुओं ने एक दिन आपस में बात की और बंटवारे की योजना बनाई। उन्होंने अपने पतियों से कहना शुरू किया कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। छोटी बहू ने अपने पति से कहा, देखिए, बड़े भैया के बच्चे बड़े हो रहे हैं और हमारे बच्चे छोटे हैं, हमें अभी बहुत मेहनत करनी है, इनको पढ़ाना है। अगर हम अलग हो जाएंगे तो अपने बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल कर पाएंगे। ससुर का खर्चा बहुत ज्यादा है, हर समय पूजा पाठ में लगा रहता है और बहुत पैसा खर्च करता है। मंझली बहू ने भी अपने पति को समझाया, देखिए, अब बंटवारा हो जाना चाहिए, हम अपनी मर्जी से रहेंगे, क्या खर्चा करना है क्या नहीं करना है ये हम खुद तय करेंगे, ससुर के खर्चे अब बर्दाश्त नहीं होते, हमें अलग रहकर अपने बच्चों का ध्यान रखना है। बड़ी बहू ने भी अपने पति से यही बात कही, बच्चे जवान हो रहे हैं, कल उनकी शादी ब्याह करना है, पैसे कमाते रहेंगे और ससुर पर खर्चा करते रहेंगे तो कैसे चलेगा, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है तो हमें अलग होना ही होगा। तीनों बहुओं ने अपने अपने पतियों को समझा बुझा कर उनके मन में बंटवारे की बात डाल दी। तीनों भाई अब बंटवारे के लिए तैयार हो गए। गांव के पंचों को बुलाया गया और घर का बंटवारा करने की बात हुई। तीनों बहुएं भी बंटवारे में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गईं। गांव के पंचों ने घर को चार हिस्सों में बंटवारा किया, तीन बेटों के लिए और एक बूढ़े पिता के लिए। घर का सारा सामान भी चार हिस्सों में बांट दिया गया।
बूढ़े बाप को कम हिस्सा दिया गया क्योंकि वह अकेला था और ज्यादा की जरूरत नहीं थी। पंचों ने कहा कि जो भी बूढ़े पिता को अपने हिस्से में रखेगा वह उसका भी ख्याल रखेगा। छोटी बहू ने साफ मना कर दिया, मैं पिताजी को अपने हिस्से में नहीं रख सकती, उसका खर्चा बहुत ज्यादा है, पूजा पाठ में बहुत पैसा खर्च होता है, हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना है। मझली बहू ने भी मना कर दिया, मैं भी ससुर जी को अपने हिस्से में नहीं रख सकती, वह हमें कभी पसंद नहीं करता था और हमें भी उसकी जरूरत नहीं है। बड़ी बहू ने भी वही जवाब दिया, मैं भी ससुर जी को अपने हिस्से में नहीं रख सकती, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है और उसके लिए हमें बंटवारा करना ही होगा। बूढ़ा किसान अब अकेला रह गया। पंचों ने अपना फैसला सुनाया और चले गए। तीनों बहुओं ने अपना अपना सामान अपने अपने हिस्से में रख लिया। पिताजी के हिस्से में जो आया वह उसमें रहने लगा। अब वह अकेला था और अपने बेटों से निराश होकर अपने भगवान से प्रार्थना करता रहता था। अब किसान अपने हिस्से की छोटी सी झोपड़ी में रहने लगा। वह रोज सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करता और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करता। वह पहले की तरह ही भोग बनाकर भगवान को लगाता और फिर पड़ोस में प्रसाद बांट देता। लेकिन अब वह बहुत अकेला हो गया था। उसके तीनों बेटों ने उससे मुंह मोड़ लिया था और उसकी बहुओं ने उसे घर से बाहर कर दिया था। वह रोज भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान, मुझे इस दुख से छुटकारा दिलाओ, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। किसान के पास जो थोड़ा बहुत आटा दाल और चावल था वह उसी से काम चलाता। वह सोचता, अब मुझे अपनी जिंदगी इसी तरह गुजारनी होगी, मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया है लेकिन मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगा। उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वह हर रोज तुलसी के पत्तों से भगवान का पूजन करता और पड़ोसियों को प्रसाद बांटता। एक दिन जब किसान अपनी झोपड़ी में बैठा रो रहा था तभी एक युवक आया। उसने दरवाजा खटखटाया। किसान ने दरवाजा खोला और देखा कि एक 20 साल का युवक खड़ा था। उसके चेहरे पर तेज झलक रहा था। उसने कहा, पिताजी, आप मुझे पहचानते नहीं लेकिन मैं आपकी पत्नी के मायके से आया हूं। मेरा नाम कान्हा है। मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। किसान ने आश्चर्य से पूछा, कान्हा, तुम मेरे ससुराल से हो? मैंने तो तुम्हें कभी देखा नहीं। कान्हा ने मुस्कुराते हुए कहा, हां पिताजी, मैं आपकी पत्नी के भाई का पोता हूं। हमें खबर मिली कि आपके बेटों ने आपको घर से निकाल दिया है, इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। जब आपकी पत्नी यानी मेरी बुआ जी थी तब आपके बारे में अक्सर बताया करती थी कि आप उनका कितना ख्याल रखते थे, लेकिन आज वो तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमारा फर्ज है हम आपके हर सुख दुख में साथ रहे। किसान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कान्हा को अंदर बुलाया और उसे बैठने के लिए कहा। उसने पानी का गिलास और थोड़ा सा गुड़ दिया। कान्हा ने पानी पिया और गुड़ खाया। फिर उसने अपनी थैली से कुछ खाने का सामान, कपड़े और दवाइयां निकाली। उसने कहा, फूफा जी, यह सब सामान मैं आपके लिए लाया है, आप भूखे मत रहना, हम रोज आपको खाना भिजवाएंगे। किसान ने कान्हा को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरे लिए जो किया है उसके लिए मैं भगवान से तुम्हारे सुख समृद्धि की प्रार्थना करूंगा। कान्हा ने किसान से विदा ली और वापस चला गया। किसान ने अपने भगवान का धन्यवाद किया और सोचा, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, अब मैं भूखा नहीं रहूंगा। अब किसान को रोज खाना मिल जाता था। वह पहले की तरह ही भोग बनाकर भगवान को चढ़ाता और पड़ोसियों को प्रसाद बांटता था। लेकिन उसकी तीनों बहुओं को यह सब देखकर बहुत जलन होती थी। वे सोचती, यह बूढ़ा आखिर कहां से इतना खाना ला रहा है, इसके पास कोई कमाने वाला भी नहीं है, फिर यह इतना तंदुरुस्त कैसे हो रहा है। तीनों बहुएं किसान की सेहत देखकर बहुत जलती थी। वे सोचती कि इस बूढ़े को हमने इसलिए अलग किया था ताकि वह जल्द ही भूख प्यास से मर जाए, लेकिन यह तो और तंदुरुस्त होता जा रहा है। एक दिन बहुओं ने फैसला किया कि वे अपने ससुर की झोपड़ी में जाकर पता लगाएंगी कि वहां क्या हो रहा है। अगले दिन जब किसान गंगा स्नान के लिए गया हुआ था, तीनों बहुएं उसकी झोपड़ी में घुस गईं। वहां उन्होंने देखा कि झोपड़ी में दाल, चावल, आटा, मसाले
सूखे मेवे और कई तरह का अच्छा खाना रखा हुआ है। बहुएं हैरान रह गईं। वे आपस में बातें करने लगीं। यह बूढ़ा इतना चालाक निकला, हमें लगता था कि यह भूखा प्यासा मर रहा है, लेकिन यहाँ तो हर चीज का भंडार है। बड़ी बहू ने कहा, इसने जरूर हमारे घर से चोरी करके यह सब जमा किया है। हम काम में लगी रहती थी और यह चोरी चोरी अपना घर भरता रहा। अब इसे सबक सिखाना होगा। मझली बहू ने कहा, हाँ, हमें इसे मजा चखाना होगा कि इसने यहाँ क्या क्या जमा किया है। छोटी बहू ने भी सहमति जताई, सही कहा, हमें इसके खिलाफ कुछ करना होगा। तीनों बहुएं झोली भर भर कर सामान अपने घर ले जाने लगीं। जैसे ही उन्होंने खाने का सामान उठाया, उन्होंने देखा कि उसमें तुलसी के पत्ते हैं। गुस्से में आकर उन्होंने तुलसी के पत्ते नाली में फेंक दिए। यह देखकर वे और भी क्रोधित हो गईं और सामान उठाकर बाहर जाने लगीं। तभी एक अजीब घटना घटी। तीनों बहुओं ने देखा कि उनके हाथ पैर धीरे धीरे कुत्ते के पंजों में बदलने लगे। वे डर गईं और चिल्लाने लगीं, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर पाया। कुछ ही पलों में तीनों बहुएं कुतिया बन गईं। गांव में हड़कंप मच गया। बच्चों और उनके पतियों ने जब यह देखा तो वे हैरान रह गए। बच्चे चिल्लाने लगे, मम्मी कुतिया बन गई है, पापा देखो मम्मी को क्या हो गया। तीनों बहुओं के पति समझ नहीं पा रहे थे कि यह कैसे हुआ। उन्होंने कोशिश की कि कुतिया को घर से बाहर भगाएं, लेकिन वे घर छोड़ने को तैयार नहीं थीं। वे अपनी भाषा में कुछ समझाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन कोई उनकी बात नहीं समझ पा रहा था। बच्चे रो रहे थे और उनके पतियों को भी रोना आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चों को संभालते हुए कहा, चलो अब कुछ नहीं किया जा सकता, हमें पिताजी का इंतजार करना होगा, शायद वही कुछ हल बता सके। गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए और सोचने लगे कि यह अनहोनी कैसे हुई। सबने किसान की वापसी का इंतजार करने का फैसला किया। किसान को अब अपने रोज के जीवन में थोड़ी राहत मिल रही थी। कान्हा रोज खाना लाकर रख जाता था और बूढ़ा पिता भगवान को भोग लगाकर पहले की तरह प्रसाद बांटता था, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसके घर में क्या हो रहा है। उसे यही लगता था कि सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा है। इधर तीनों बहुएं कुतिया बनकर घर के आंगन में बैठी थीं। उनके पतियों और बच्चों को घर का सारा काम करना पड़ रहा था। वे बहुत परेशान थे और वे अपने पिताजी की वापसी का इंतजार कर रहे थे। गांव के लोग भी इस अजीब घटना से हैरान थे। हर कोई यही कहता था कि यह सब बूढ़े पिता की भक्ति और उसकी तपस्या का फल है। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने किसान को गंगा स्नान के लिए जाते देखा। उन्होंने सोचा कि अब उसे सारी बात बतानी चाहिए। वे उसके पास गए और बोले, बाबा तुम्हारे घर में कुछ अजीब हो रहा है, तुम्हारी तीनों बहुएं कुतिया बन गई हैं। बूढ़े किसान को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि यह कैसे संभव हो सकता है। उसने तुरंत गंगा स्नान किया और घर की ओर लौट पड़ा। उसके दिल में बहुत सारी आशंकाएं थीं। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे घर की रक्षा करना और मेरे बच्चों को सही रास्ता दिखाना। जब किसान घर पहुंचा तो उसने देखा कि गांव के लोग उसके घर के सामने इकट्ठा थे। उसने पूछा, क्या हुआ, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? गांव वालों ने उसे सारी घटना बताई। किसान ने अपने बेटों को बुलाया और पूछा, ये सब कैसे हुआ, तुम लोगों ने क्या किया? बेटों ने रोते हुए अपने पिता को सारी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, पिताजी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमारी पत्नियों ने तुम्हारे सामान को नाली में फेंक दिया था और उसी समय वे कुतिया बन गई। अब हमें नहीं पता कि उन्हें कैसे ठीक करें। किसान ने अपने बेटों को दिलासा दी और कहा, भगवान सब ठीक करेंगे, तुम लोग घबराओ मत। किसान ने भगवान से प्रार्थना की और उनसे समाधान मांगा। उसने सोचा कि शायद किसी साधु बाबा के पास इसका समाधान हो सकता है। उसी समय एक साधु बाबा गांव में आए। किसान ने उन्हें अपने घर बुलाया और सारा हाल बताया। साधु बाबा ने ध्यान से सारी बातें सुनी और कहा, यह सब तुम्हारी भक्ति और तपस्या का फल है, लेकिन चिंता मत करो, इसका उपाय भी है। किसान ने पूछा, बाबा कृपया मुझे उपाय बताएं।
मैं अपने बच्चों को इस हालत में नहीं देख सकता। साधु बाबा ने कहा, तुम्हें कार्तिक महीने में विशेष पूजा करनी होगी। तुम्हारे स्नान के पानी से तुम्हारी बहुओं को नहलाना होगा और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनके झूठे भोजन को बहुओं को खिलाना होगा। इससे वे अपने असली रूप में वापस आ जाएंगी। किसान ने साधु बाबा को धन्यवाद दिया और अपने बेटों को यह उपाय बताया। बेटों ने कहा, पिताजी, हम तुम्हारी हर बात मानेंगे, हम इस उपाय को जरूर पूरा करेंगे। किसान ने कार्तिक महीने की विशेष पूजा की तैयारी शुरू कर दी। उसके तीनों बेटे और गांव के लोग भी इस पूजा में मदद करने लगे। बेटों ने मिलकर पूजा का सारा सामान इकट्ठा किया और भगवान के लिए भोग बनाने की व्यवस्था की। हर सुबह किसान गंगा स्नान के लिए जाता और स्नान के पानी को एकत्रित करता। उसके बाद वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करता और फिर अपने पड़ोसियों को प्रसाद बांटता। इस बीच तीनों बहुएं अभी भी कुतिया के रूप में घर के आंगन में बैठी रहती। उनके पति और बच्चों को घर का सारा काम करना पड़ता था। बच्चों को अपनी माताओं की बहुत याद आती थी और वे अक्सर रोते हुए अपने दादाजी से कहते, दादाजी कब ठीक होंगी, हमें हमारी माँ वापस चाहिए। किसान बच्चों को दिलासा देता और कहता, बेटा, भगवान सब ठीक करेंगे, तुम लोग धैर्य रखो और प्रार्थना करो। बच्चों को शांत करने के लिए वह उन्हें कहानियां सुनाता और उनके साथ समय बिताता। किसान ने पूजा के लिए 5 ब्राह्मणों को बुलवाया। बेटों ने भी अपनी ओर से 5-5 ब्राह्मणों को बुलाया। इस प्रकार कुल 21 ब्राह्मणों को बुलाया गया। ब्राह्मणों के लिए विशेष भोग तैयार किया गया। कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया और किसान ने अपने बेटों की मदद से ब्राह्मण भोग की तैयारी की। सुबह सुबह सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया और उन्हें विशेष पकवान बनाकर खिलाया गया। ब्राह्मण भोज के बाद किसान ने सबके पैर छुए और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी बहुओं को उनके पूर्व रूप में वापस लाओ, मेरे कार्तिक स्नान और पूजा का फल उन्हें मिले। ब्राह्मणों ने तृप्त होकर भोजन किया और किसान को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी पूजा और तपस्या सफल होगी, भगवान तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। ब्राह्मण भोज के बाद किसान ने तीनों बहुओं को बुलाया। तीनों कुतिया भोग के झूठे भोजन को प्रेम से खाने लगी। किसान ने उनके ऊपर गंगा जल छिड़का और उन्हें स्नान के पानी से नहलाया। जैसे ही गंगा जल और स्नान का पानी बहुओं के ऊपर छिड़का गया, एक चमत्कार हुआ। धीरे धीरे तीनों बहुएं अपने असली रूप में वापस आने लगी। उनके चेहरे पर पश्चाताप के आंसू थे और वे अपने ससुर के पैरों में गिर कर रोने लगी। तीनों बहुएं कहने लगी, पिताजी, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, हमें हमारे कर्मों की सजा मिल गई, अब हम तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं देंगे और हमेशा तुम्हारी सेवा करेंगे। किसान ने उन्हें गले लगाया और कहा, बेटा, भगवान ने तुम्हें माफ कर दिया है, अब तुम लोग सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करो और अपने कर्मों को सुधारो। तीनों बहुओं ने अपने ससुर से वादा किया कि वे अब हर साल कार्तिक स्नान और पूजा करेंगी और कभी भी अपने ससुर का अपमान नहीं करेंगी। इस तरह पूरे परिवार ने मिलकर भगवान की पूजा की और प्रसाद बांटा। तीनों बहुओं के अपने असली रूप में वापस आने के बाद घर में एक नई ऊर्जा और शांति का माहौल बन गया। बूढ़े किसान की भक्ति और तपस्या ने पूरे परिवार को एक नया जीवन दिया था। अब सभी मिलकर भगवान की पूजा करते और कार्तिक स्नान की महिमा को समझते थे। किसान ने अपने बेटों और बहुओं को सिखाया कि भक्ति और सेवा का महत्व क्या होता है। उसने कहा, देखो बेटा, भगवान की पूजा और सेवा से हमें सच्चा सुख और शांति मिलती है। हमें हमेशा सच्चे दिल से भक्ति करनी चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, चैनल टाइम इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।